सुप्रभात बच्चों, आप लोग सभी व्याकरण वाटिका हमारी वर्णमाला आज हम लोग पढ़ेंगे। इस किताब को निकालिए, व्याकरण वाटिका 1 अध्याय 2 हमारी वर्णमाला पृष्ठ संख्या 89 दोबारा संशोधन हो रहा है। तो हमारी वर्णमाला यहाँ आप लोग देख सकते हैं, चित्र में बच्चे के मुंह से निकला ओह ओह ओ और ह ओह ओह ध्वनियों से मिलकर बना है। ओ और ह ये दोनों ध्वनियों से मिलकर ओह शब्द बना है। ये ध्वनिया आवाज़ें, ध्वनिया जो है ये आवाज़ें ही वर्ण हैं। हिंदी में बहुत से वर्ण हैं, इन्हें मिलाकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन, कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन। तो बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे, जब हम लोग को कभी ज़रूरत पड़ता है, हम लोग का मुंह से निकलता है ओह, ऐसा मत करो ओह, ऐसा एक आवाज़ हम लोग निकलते हैं। ये क्या है? ध्वनियाँ हैं, मिलकर बनते हैं दो। देखिए, एक है ओ, ये है स्वर, और ह, ह है व्यंजन, इससे एक आवाज़ जो वर्ण कहलाता है। इससे क्या, इन्हीं में बहुत से वर्ण होते हैं। ऐसा ही नहीं कि ओ ही एक वर्णमाला में आता है, ऐसा बहुत सारा वर्ण है, इन्हें मिलाकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन, कुछ स्वर होते हैं कुछ व्यंजन। तो बच्चों, आज हम लोग इसी के बारे में दोबारा संशोधन करेंगे। देखिए, स्वर में अब लोगों को पता होगा अ, आ, ई, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये स्वर है। उसके बाद आप लोग इस तरफ देखिए, स्वर होने के बाद अनुस्वर और विसर्ग, अनुस्वर और विसर्ग अंग आहा, आप लोग जरूर पढ़ने का समय ये दोनों अक्षर को आप लोग देखे होंगे, अंग और अह। ये अंग है अनुस्वर और अह है विसर्ग, विसर्ग अह। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। स्वर हम लोग पढ़ लिए, अभी व्यंजन देखिए, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये क, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये पांच जो व्यंजन का जो अक्षर आप लोगों को दिख रहा है, उसको पांच तो मिला के एक वर्ग बनाया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसके बाद आप लोग देखिए, य, र, ल, व, ये चारों को उष्म व्यंजन बोला जाता है। उष्म व्यंजन क्योंकि उष्म व्यंजन य, र, ल, व, उसके बाद
संयुक्त व्यंजन। अच्छा, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन पहले पढ़ ले। स तालवश्य, श ह, ये आता है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन जो है छ, त्र, ज्ञा, और एक आता है श। ये चारों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो मैं फिर दोहरा रही हूँ, व्यंजन जो है उसमें क ख ग ग ङ, च छ झ झ ञ, ट ठ ड ड ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, छ त्र ज्ञ स्र, और दो ठो जो है ये है ड्र अढ्र। तो आप लोगों को इसको अच्छा से अभ्यास करना है। किसके बाद क्या आता है, क के बाद ख, उसके बाद छ के बाद ज, ये आगे पीछे करके आप लोग अभ्यास कीजिए, ठीक है। कौन, इतना ही। इसके बाद गृह कार्य, आज का दिनांक दीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोगों का डायरी में, स्कूल डायरी में गृह कार्य लिखिए, अध्याय दो पृष्ठ संख्या 8-9। तो आप लोग आज यहाँ तक ही अच्छा से अभ्यास कीजिए।